हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बहुत प्यारी बातें करने वाले हैं जिसमें है कि आप अट्रैक्टिव कैसे दिखें। मैं आपके साथ कुछ नन्ही मनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो कि फॉलो करके आप अट्रैक्टिव दिख सकते हैं या फील कर सकते हैं, क्योंकि जब फील करेंगे तो दिखेंगे, राइट? अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई आपको ज़्यादा टशन मशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ देखते रहिए, पर अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ कंसिडर करिए सब्सक्राइब करना। बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाती हूँ, सब्सक्राइब करिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो को आप मिस नहीं करें। एंड आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत प्यारी स्टोरीज़ बनाती हूँ मैं। एंड ऑल्सो यू गाइस कैन मैसेज मी ऑन माई सोशल मीडिया, सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। एंड शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के साथ। सो अट्रैक्टिव दिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस एंड पॉस्चर। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, डजेंट मैटर कि आपने क्या पहना है, क्या कौन सा मेकअप किया है, कैसे आपके बाल हैं, कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है, वो सारा कुछ चकनाचूर हो जाता है। तो आप वही चीज़ें करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। कई बार होता है कि हम ना स्टाइलिश दिखने के चक्कर में या अट्रैक्टिव दिखने के चक्कर में कुछ ऐसा आउटफिट पहन लेते हैं कि वो हम बहुत कूल लग रहे हैं, पर ऑल द टाइम हम अनकंफर्टेबल होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस हो जाता है ज़ीरो। एंड जब ज़ीरो हो जाता है तो सारा कुछ बेकार हो जाता है। बेशक बेसिक एंड देसी चीज़ें पहने, पर कॉन्फिडेंस के साथ पहने। अपने आप को ऐसे कैरी करें कि आपके बिना है ही कुछ नहीं, इस धरती पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड यू विल फील गुड एंड यू विल लुक वेरी अट्रैक्टिव। हर कोई बंदा सोचेगा यार वाह, क्योंकि कॉन्फिडेंस इकट्ठा करना ही बड़ा औखा है। जब वो हो गया ना इकट्ठा, तो फिर आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। एंड पॉस्चर आपका सही होना चाहिए। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा ना कि इंग्लिश स्पेशली ब्रिटिश मूवीज़ में कि वो ना आपको एलियन बनना दिखाते हैं, आपके सर पे किताब रख के। वो आपका पॉस्चर एक्चुअली सेट करना होता है कि अगर पॉस्चर बिगड़ेगा बुक गिर जाएगी। सो वो मेथड यूज़ करके आप अपने पॉस्चर को सही कर सकते हैं। वैसे जब आपका पॉस्चर सही होता है ना, आपकी पेट सीधी होती है, शोल्डर पीछे होते हैं एंड सिर सीधा होता है, तो आप बहुत अट्रैक्टिव एंड कॉन्फिडेंट लगते हैं। कॉन्फिडेंट बंदा ही ऐसे हो सकता है, नॉर्मल बंदा ऐसे होता है। सो पॉस्चर एंड कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। अगला है पर्सनल हाइजीन। उसमें आप नहाए धोए वधिया स्मेल करें, आपके नेल्स अच्छे होने चाहिए, आपके बाल अच्छी तरह ग्रूम होने चाहिए, आईब्रोज या यू नो ऐसी छोटी मोटी पर्सनल ग्रूमिंग की चीजें, वो भी आपके अट्रैक्टिवनेस में एड ऑन करती हैं। सो अगर आप अच्छा स्मेल करते हैं तो बहुत ही ज्यादा लोगों के दिल में रहती है बात कि यार अगर आप बैड स्मेल करते हैं तब भी वो याद रहेगा। सो कोशिश करें कि अच्छा स्मेल करें। सो शावर करें एंड कोई अच्छा सा मिस्ट यूज कर सकते हैं, परफ्यूम, अपना कोई सिग्नेचर सेंट बना सकते हैं, जहां से आप गुजरे आपको पता चल जाए कि कौन गुजरा है यहाँ से। सो ऐसा होता है ना कि कईयों की सिग्नेचर सेंट होती है, आपको पता चल जाता है जब वो बंदा आए। सो आप अच्छा स्मेल करेंगे तो अट्रैक्टिव लगेंगे। अगली चीज है कि नेल्स, जैसे मैंने बनाया पर्सनल ग्रूमिंग, नेल्स का ये है कि आपको हमेशा ही सलून्स में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से नेल पेंट लगा सकते हैं या फिर अपने नेल्स को साफ रखें, कट के रखें, गंद ना पड़े हुए उनमें। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे फुल ऑन एक्रेलिक नेल्स लगाएंगे तभी आप ग्रूम लगेंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे। प्लेन सिंपल नेल भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट साफ हो, उसमें गंद ना हो। एंड मैं हमेशा, मुझे लग रहा है कि 5-7 सालों से एक ही नेल पेंट यूज़ कर रही हूँ, वो है एसी का टॉपलेस एंड बेयरफुट। अभी भी मैंने वो पहना है। ये मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि जब ये चिप हो जाता है ना, इतना नोटिस नहीं होता। अगर आप डार्क नेल्स पहनते हैं, चिप हो जाते हैं, बहुत पैड़े लगते हैं और फिर दूर से आप लग जाएगा जीरो हो जाता है। ऐसे लगता है कि आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। सो या तो नेल पॉलिश पहने ना, या लाइट पहने कि नोटिस ना हो, या फिर यू नो अगर आप मैनीक्योर करा के रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पैसे बिना स्पेंड करे भी आप अपने आप को ग्रूम रख सकते हैं। अगला है मेकअप। मेकअप आप ऐसा पहने कि जैसा आपको अच्छा लगता है। ये नहीं कि आपको मेकअप पहनना अच्छा नहीं लगता फिर भी आप इतना ज़्यादा स्टेप 10 स्टेप वाला मेकअप कर लिया है और अनकंफर्टेबल है, वैसे नहीं करना। आप अपने स्कार्स को कंसील कर सकते हैं, थोड़ा सा मस्कारा लगा सकते हैं, लिटिल बिट ब्लश, लिटिल बिट लिप स्टेन, लिप्स को कलर दे दें, लिपस्टिक लगा लेंगे, जो भी अच्छे लगेंगे। एंड नन्नी मनी से कोई ज्वेलरी जरूर से पहन के रखें, वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। अगर नन्नी मनी से ज्वेलरी आप खरीदना चाहते हैं तो simorlashes.com पे है ये प्यारा सा इन्फिनिटी नेकलेस। ये वाले स्पेशली ये वाले हुप्स नहीं है, पर इसके मिलते जुलते ज़्यादा अच्छे हुप्स हैं मेरे पास। ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, ऐसी ही रहेगी, आप जैसे कैसे भी समय में पहने, स्वेट हो, पानी हो, इसका रंग नहीं कहीं पर जाएगा, क्योंकि मुझे ये यूज़ करते हुए 4 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, वैसे का वैसा है। ओके, सो डेंटी पीसेस पहन सकते हैं, वो भी
भी आपको अट्रैक्टिव दिखते हैं आप, बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी पहनने की जरूरत नहीं है, ऑल द टाइम अच्छी नहीं लगती है, वो एलिगेंट नहीं लगती है। अब मौके मौके पर डिपेंड करता है, अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं तो हैवी पहनेंगे, पर एवरी डे के लिए बहुत ज्यादा चंकी चीजें अच्छी नहीं लगती है। लेस इज मोर हेयर, हमें लेस लेस करना है, ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा नहीं करना। और बाल अच्छी तरह बना के रहेंगे, जब आपके बाल अच्छे होते हैं ना तो फिर आप अद्धे अच्छे लगते हैं, आपका सारा कुछ अच्छा लगता है। आप नोटिस करना जब आपके बाल आपने धोए हैं और स्टाइल किए हैं, आप खुद से बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत हैप्पी फील करते हैं, आपका सारा आउटफिट लाइक पुट टुगेदर हो जाता है, सारा कुछ अलाइन हो जाता है जब आपके बाल अच्छे लगते हैं। सो बालों पे जरूर से ध्यान दें, डजंट मैटर कि ऑयली है कैसे हैं, ऑयली के हिसाब से हेयर स्टाइल बना ले, बन बना ले, कुछ भी नाइस एंड क्लीन नीट कर सकते हैं आप। अट्रैक्टिव दिखेंगे जब आपके बाल ऑन द पॉइंट होंगे। अगला है, लोगों को ध्यान से सुने जब वो कुछ बोलते हैं, उनको कट करने की जरूरत नहीं है, जब आप अच्छी तरह लिसन कर देना। आजकल के जमाने में लोगों के पास बताने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं पर सुनने वाला कोई भी नहीं है, पर जब आप सुनते हैं ना अच्छी तरह तो दूसरे बंदे को आप याद रहते हैं कि यार मैंने कितने ध्यान ना सुने। आप नोटिस करना अपने दोस्तों के साथ, जब आप कुछ बता रहे हो काट के अपनी गल शुरू कर देंगे, सो आप जब बोलना शुरू करते हैं वो अपनी बात बतानी शुरू कर देते हैं, तो जो बंदा लिसन करता है ना दूसरे बंदे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ये लिसनिंग की शक्ति अपनी बढ़ाए, दूजे नु बोलने का मौका दे दिए आपको, नहीं अगर वो नहीं सुन रहा है नो नीड टू, अनलेस वो आपसे पूछे कि आप भी बताएं कुछ, अदरवाइज गुड लिसनर बने। सुनने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं सबको, लिसन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी से मिलते हैं या किसी के घर पे जाते हैं, ज्यादा समय फोन पे मत स्पेंड करें, या फिर डिनर में गए हैं या किसी की ग्रुप में हैं और आप हमेशा फोन पे हैं, ये बहुत बहुत बुरा सिग्नल है। इसमें ऐसे लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर आप रूड हैं, या फिर आप उन पे इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी बातें सुनने में आपको लाइक जीरो इंटरेस्टेड है। आप फोन बिल्कुल बंद कर दें, लाइक बिल्कुल बैग में रख दें और उसको देखें मत जब तक आप किसी की कंपनी में हैं। अट्रैक्टिव लगेंगे आप, क्योंकि आजकल के जमाने में हर कोई अपने फोन पे लगा हुआ है, जब आप नहीं देखेंगे ना सबसे अलग लगेंगे। सो ये जरूर से करें। और मुझे लगता है कि जब मैं किसी जगह पे किसी से मिलती हूँ फोन देखूंगी तो यार वो मैं घर में भी देख सकती हूँ ना, अभी मुझे उससे 100% देना है, तो आप भी ऐसे करें। काफी अट्रैक्टिव चीजें आसानी से नहीं मिलती आजकल, क्योंकि देखने के लिए फोन पे हजारों करोड़ों चीजें हैं, जो नहीं देख रहा होगा सबसे ज्यादा स्पेशल एंड मजेदार लगेगा वो। डू दैट। एक और चीज है कि जब आप किसी से बात करते हैं ना उसकी आई कॉन्टेक्ट बना के बात करें, ऐसे ऐसे बातें मत करें कि हाँ हाँ हाँ। जब आई कॉन्टेक्ट बना के बात करते हैं ना बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं और ऐसे लगता है कि आप सच्ची सुनना चाहते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। इससे ऐसे लगता है कि आप उस बंदे में बहुत इंटरेस्टेड हैं एंड ऐसे उस बंदे को आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे कि वो कुछ भी कह रहा है आप अच्छे से सुन रहे हैं, आई कॉन्टेक्ट बना रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए आई कॉन्टेक्ट बनाने के लिए। जब आप कुछ बताएं अखा जी अखा पा के बताएं, एंड अगर किसी को सुने तब भी अखा में अखा पा के सुने। अभी अखा में अखा पाके प्यार मत कर लेना, इंडिया में कहते हैं कि अखा मिलगी पता नहीं कितने सेकंड लगी तो लव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे इंटरेस्ट शो होता है कि आप वाकई इंटरेस्टेड है, लाइक ऐसे कहें ओ या रियली वाओ दिस इज सो गुड, ऐसा ना करें अच्छा अच्छा, ऐसे लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, अट्रैक्टिव लगता है ये बहुत। आपका आउटफिट बहुत मैटर करता है आपके अट्रैक्टिव दिखने के लिए। सो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रिवीलिंग आउटफिट बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, वो गलत बंदों की अटेंशन जरूर इकट्ठा कर सकते हैं। का ये एरिया भी रिवील हो रहा है, आपकी लेग्स भी एक चीज को रिवील करें अगर करना चाहते हैं। मेरे स्टाइल में मैं मॉडर्स्ट कपड़े पहनती हूँ, ना मैं इधर रिवील करना चाहती हूँ ना मैं मेरी लेग्स को करना चाहती हूँ। सो आजकल मैं लगा कि हर किसी को रिवील करने की ज्यादा पहिया, मॉडर्स्ट कपड़े मेरे हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। आपकी सोच डिफरेंट हो सकती है, मैं हर एक बंदे के लिए हैप्पी हूँ, जिसे जैसा अच्छा लगता है वैसा करे। ऐसा है कि अगर आपने सारे सेम कलर के कपड़े पहने हो तो काफी अट्रैक्टिव लगता है, काफी लग्जरी एंड एलिगेंट भी लगता है, स्पेशली जो लाइट शेड्स होते हैं, या ब्लैक भी पहन सकते हैं, या न्यूड होते हैं, बेज होते हैं, वाइट होता है, एंड ऐसे आउटफिट पहन सकते हैं जो काफी अट्रैक्टिव लगे। और मॉडर्स्ट मेरे हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव लगता है। डिफरेंट किस्म की नेकलाइन बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लाइक कईयों की गर्दन बहुत पतली होती है तो हाई नेक अच्छा लगेगा, पर वो हर एक बंदे पे अच्छा नहीं लगता है। तो आप देखें कि आप पे कौन सा आउटफिट अच्छा लगेगा, कौन सा स्टाइल अच्छा लगेगा। सो आउटफिट आपके अट्रैक्टिव दिखने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आउटफिट को पूरा सोच समझ के पहने कि क्या आप पहनना चाहते हैं। सो आउटफिट पहन के ना आप कंफर्टेबल होने चाहिए, अगर कंफर्टेबल होंगे तो कॉन्फिडेंट होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे तो अट्रैक्टिव होंगे। एंड हील्स बहुत अट्रैक्टिव लगती है। अभी आप पे है कि आप कैसे हील्स पहन सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत लंबी हील नहीं पहन सकती, मैं थक जाती हूँ, मेरे पैर दुखन लग जाते हैं। तो छोटी मोटी हील पहन सकते हैं या पॉइंटी शूज पहन सकते हैं, वो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड मुझे लगता है कि काफी कॉन्फिडेंट लगता है वो बंदा जो ऐसे शूज पहनता है। सो शूज ध्यान से पहने, कोई चंकी अगली शूज पहनेंगे तो अट्रैक्टिव नहीं लगता। वैसे ये भी काफ़ी ज़्यादा बहस का मुद्दा हो सकता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं, फिर वहीं पे आ जाएंगे हम
कि आपको क्या अच्छा लगता है। ये मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि क्या क्या अच्छा हो सकता है। एंड ऑफ द डे आपके कम्फर्ट पे एंड आपके स्टाइल पे आ जाता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। ये चीज़ तो सबको अच्छी लगेगी कि चेहरे पे जब स्माइल होती है ना तो मुंह बंदा हर एक को अच्छा लगता है। गुस्से वाला सड़ा मुंह बनाएंगे तो कहाँ अट्रैक्टिव लगेंगे, तो लोग की तो आपसे दूर पड़ जाएंगे। सो स्माइल ना इतना प्यारा गहना है हमारे चेहरे के लिए कि जब स्माइल होती है ना तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। अब आप पे है कि आप कैसी स्माइल करेंगे, मुंह खोल के करेंगे, दांत दिखा के करेंगे, दांत बंद करके करेंगे, ऐसी करेंगे। पर ये कोशिश करें कि जब आप किसी से मिले ना ऑल द टाइम आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लगता है कि आप हैप्पी हैं उनसे मिलने के लिए और आप अट्रैक्टिव भी लगेंगे। अगर आप दुखी हैं मेरे साथ तो प्लान कैंसिल कर दो, कार ही डालो, जाओ ही ना। सड़ा मुंह बना के मिलने से अच्छा है कि और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लास्ट है ये बट नॉट द लीस्ट, एटीट्यूड। एटीट्यूड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत सोने, बहुत स्टाइलिश, मज़ेदार शूज़, वेरी नाइस मेकअप, बहुत प्यारे बाल एंड एटीट्यूड आपका गंदा, लाइक स्टाइलिश बट मीन। लाइक अगर आप वेटर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं एंड जो छोटे मोटे लोग हैं उनको ऐसे कर रहे हैं, लाइक अच्छा एटीट्यूड नहीं, आपका काइंड नहीं है, हम्बल नहीं है, ग्राउंडेड इंसान नहीं है, तो फिर सारा पै गया सत्ता चूल्हा के खूह में। कोई आप अच्छे नहीं लगेंगे, कोई अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। मैनू तो एटलीस्ट वो बंदा बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगता है जो माड़े बंदे ते जोर दिखाता है, लाइक जो दरवाज़ा खोलता है उसको करता है, वेटर्स को शू शू करता है, वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा पैड़ा है, वो बिल्कुल मत करें। अच्छे इंसान बने तो आप कुछ भी पहने, कुछ भी करें, अट्रैक्टिव ही लगेंगे। चंगा प्यारा क्यूट इंसान सबको अच्छा लगता है। सो कोशिश करें काइंड बनने की, हम्बल बनने की, अच्छा बनने की, पॉजिटिव बनने की, अट्रैक्टिव लगेंगे। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगाए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अच्छे इंसान बने, ओके। एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड वीडियो को थम्स अप ज़रूर से देना। एंड अगर ऐसी और कोई सी भी वीडियो आप मुझसे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बार में छोड़ना, हम उस पर ज़रूर से काम करेंगे। मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। ईजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी। आई लव यू गाइज़ सो वेरी मच। बाय। कोई ना ये याद नहीं रखेगा कि आपने कपड़े कैसे पहने थे और आप कितना सुंदर मेकअप करके आए थे और आपके बाल कितने खूबसूरत थे, पर आप बिहेव कैसा कर रहे थे और आपकी कंपनी में उनको फील कैसा हुआ, ये सारी ज़िंदगी याद रहता है। सो प्लीज़ काइंड बने।